प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। जो आकृति आपको 8.29 में दिखाया गया है ना, ऐसी उसका एक विकर्ण है दर्शाइएगी। नंबर वन आपको सिद्ध करना है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है, पहला एसआर समानांतर एसी और एसआर बराबर हाफ एसी, ठीक है। दूसरा पी क्यू बराबर एसआर, तीसरा प्रूफ करना है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए हम चालू करते हैं प्रमाण से, पहला नंबर पहले है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बोला, एसआर समानांतर एसी, एसआर जो है एसी के समानांतर होगा और इसके लंबाई में आधा होगा। तो इस त्रिभुज को देखो, छोटा वाला त्रिभुज में एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में देखो एस क्या है आपका, एस एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और आपका आर जो है आर डीसी का मध्य बिंदु है। और हम लोग पढ़े हुए हैं, कल पढ़े थे ना मध्य बिंदु पर, मैं क्या पढ़े थे, जब एक त्रिभुज में पहली भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा का मध्य बिंदु मिला देंगे तो वो जो होगा तीसरी भुजा के समांतर होगा, लंबाई में आधा होता है। तो इसीलिए लिख देना डायरेक्ट क्या, एसआर समांतर एसी एवं एसआर बराबर हाफ एसी, डायरेक्ट लिख देना प्रूफ। ये हो गया तुम्हारा क्या, हेंस प्रूफ, ठीक है। अगला नंबर दो, नंबर दो आपको क्या बोल रहा है, ये PQ जो है SR के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। एक काम करो कि इसको आप समीकरण एक मान दे रही है ना, एक मान दे रही, फिर लिखेंगे पुनः इस त्रिभुज को देखो। अब ABC में, किसमें ABC में देखो, P क्या है, P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और Q क्यों जो है BC का मध्य बिंदु है। इसलिए जो PQ जो हो जाएगा, PQ समांतर AC हो जाएगा एवं PQ लंबाई में हाफ AC होगा। इसको मान लो समीकरण दो, देखो एक और दो को देखो, यहाँ पर देखो ऐसा क्या है, हाफ AC के बराबर है और PQ क्या है, ये हाफ AC के बराबर है। तो हाफ ए सी यहाँ भी है, हाफ ए सी यहाँ भी है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होगा। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण एक एवं दो से, उसे क्या लिखेंगे हम, ये लिख सकते एस आर, एस आर बराबर पी क्यू, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना था, पी क्यू बराबर एस आर, आगे पीछे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू बराबर एस आर, देखो ये भी प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। अब आते हैं तीन नंबर में, देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है आपको, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो अब यह देखो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखो क्या प्रूफ किया हम लोग, यहाँ पर एक और दो के मुताबिक पी क्यू बराबर और समानांतर हो गया, पी क्यू बराबर एस आर, देखो पी क्यू समानांतर ए सी है और एस आर समानांतर ए सी है, मतलब एसआर और पी क्यू एसी के समानांतर है, तो ये दोनों भी समानांतर होगा। तो ये इस तरह लिखेंगे एसआर समानांतर पी क्यू एवं एसआर बराबर पी क्यू। तो हम लोग जानते हैं एक चतुर्भुज में यदि दो समूह भुजा आपस में बराबर हो और समानांतर हो वो क्या कहलाती है, समान चतुर्भुज कहलाती है। तो यहां लिख देंगे क्या, अतः पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, हेंस प्रूफ। ये वाला एक प्रूफ हो गया, तीनों के तीनों प्रूफ हो गया, ठीक है।